हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोस्टल एंगलर। तो फ्रेंड्स, पिछले बार की तरह इस बार भी हमने एक आइलैंड पे आए हैं फिशिंग करने के लिए। इसका नाम है मलपे सेंट मेरीज आइलैंड। ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे नॉर्मली अगस्त से लेके मार्च तक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये बहुत अच्छा फिशिंग स्पॉट भी है। तो फ्रेंड्स, इस आइलैंड में पहुंचने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ा, क्योंकि अब जैसे मॉनसून का सीज़न है, इट इज़ नॉर्मल कि यहाँ पे तूफ़ान वगैरह होते रहता है और कभी बारिश आती है, कभी यानी धूप होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा बारिश और बहुत ही ज़्यादा रफ़ कंडीशन मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ये फ़िशिंग वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए ख़ास, तो ज़रूर इसको देखें, पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और देखते हैं आज कैसा रहेगा अपना फ़िशिंग। मेरे दोस्त लोग तो वहाँ पर फ़िशिंग कर रहे हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लक एंड हार्ड वर्क गाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना एक दोस्त फिशिंग कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जो आइलैंड का लोकेशन है ये समंदर के बीच में है, और ये जो यहाँ का सीनिक व्यू है और जो ग्रीनरी आपको जो दिख रहा है, ऐसा बहुत ही कम जगह में आपको मिलता है देखने के लिए। तो आप कभी कर्नाटक में या उडुपी में अगर कभी ट्रैवल करते होंगे तो ज़रूर इस लोकेशन में भी कभी आप ट्रैवल करें। बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है और वेरी नेचुरल है, तो इट्स वेरी वंडरफुल प्लेस गाइस। Definitely you guys will love this place. बहुत रफ़ कंडीशन में हम लोग समंदर में जा रहे हैं। आज हम लोग दूसरे एक आइलैंड पे जाने वाले हैं जिसका नाम है सेंट मेरीज आइलैंड। ये लगभग अराउंड 30 मिनट या 30-45 मिनट्स के फासले पे है। ये आप देख सकते हैं कि बोट कितना ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा वर्बलिंग हो रहा है आज। कंडीशन बहुत रफ़ है और पूरा बारिश आने का पूरा चांसेस है। और वो रहा आइलैंड जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में फिशिंग की है। और गाइस, वेरी रफ टुडे। Thank you.
जोश भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत डर भी लग रहा है दोस्तों, बहुत रफ है समंदर और थोड़ा बहुत मज़ा भी आ रहा है। होपफुली हम थोड़ा बहुत पास में आ चुके हैं। बिकॉज ऑफ द रेन विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नथिंग। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अपने कर्नाटक में। तो गाइस हम सेफली अब आइलैंड पे लैंड हो चुके हैं। वेरी लकी थे हम, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान से होके हम आके पहुँचे हैं और अब थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है। तो अब हम सेंट मैरीज आइलैंड के एंट्रेंस पे जा रहे हैं जो कि सीज़न में ऐसा दिखता है और अब बारिश के मौसम में ऐसा दिख रहा है। तो सीज़न में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टॉल, दुकानें और बहुत सारा वाटर स्पोर्ट ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट लोग आपको मिलेंगे। तो अब क्योंकि ऑफ सीज़न है तो ये पूरा वीरान पड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे एक हट के नीचे अपना सामान असेंबल कर रहे हैं ताकि हम बारिश में हम सेफली रख पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो भी सामान है हमारे साथ में लाए हैं, लंच वगैरह हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं सेफली। कुछ शुरू करते हैं कास्टिंग, कुछ कास्ट करके देखते हैं। बोले जप्पल नहीं रख मीना अपने मोज घंटे तो बुक कर ले। ओ रवि इज ऑन। हाँ
What a beautiful scene, guys! Superb! तो गाइस ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था और प्रॉमिसिंग था, तो मेरे को लगा यहाँ पे मैं कुछ देर कास्टिंग करता हूँ। अबाउट 15-20 मिनट्स मैंने यहाँ पे कास्टिंग किए, लेकिन कुछ इतना स्ट्राइक नहीं मिला मुझे। तो फिर कुछ देर कास्टिंग करने के बाद आगे वाले रॉक्स पे मैंने लोकेशन चेंज किया, तो सोचा वहाँ से कुछ मैं टारगेट करके देखता हूँ। Looks like a heavy fish, guys. Good size snapper, guys. Good fish. Good size snapper. Let me put him in the gap here. Just casted. Oh my god, what a hit! Looks like a good size fish, guys. On a 60 gram jig, you're a good fight here. Whoa, guys, looks like a good size fish. Shit! Oh my god, missed that fish, guys. Very unfortunate. Don't know what the hell happened, but missed him. Very bad. Palaiminan. The fish on. Yeah, surmai hai. Kingfish. Surmai, surmai. Wow! Guys, my first! Surmai, surmai! My first mackerel, Spanish mackerel, guys. What a beauty, man! Surmai!
भले भले मित्र वाले, वाओ मैन, लकी टू कैच हिम। ब्यूटीफुल कलर गाइस, लुक एट दिस, दिस इज द फर्स्ट किंगफिश और स्पैनिश मैकरल दैट आई हैव कॉट फ्रॉम शोर गाइस। स्पैनिश मैकरल एंड सुरमई, सुरमई भाई, सुरमई हमें मिला है जिग के ऊपर दोस्तों। बहुत ही अच्छा फाइट दिया। इससे पहले मेरे को एक बहुत बड़ा मच्छी मिस हुआ था, शायद वो भी इसमें का बड़ा साइज का हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं फिर। नाना दक्कले जिगुंडे रेडा नागराज भाई को यहाँ पे एक फिश लगा है। इट्स अ जीटी गाइस, स्मॉल ट्रिवेली। नाइस कैच नागराज भाई। नागराज भाई ने जीटी निकाला है, एक छोटा सा ट्रिवेली। वापस से भी दोस्तों हमें यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुपर मिला। फायर टाइगर क्रेजी स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स हमने अभी लंच कर लिए हैं, तो वापस से कुछ फिशिंग सेशन करने के लिए जा रहे हैं वापस से। अब तक के लिए हमें मिला है एक स्नैपर, एक छोटा सा ग्रुपर और एक छोटा स्पैनिश मैकरल मिला है। तो अब देखते हैं और कोशिश चालू रहेगा। अंधे लगेज इतने पसंद है। तो और भी स्पॉट हमने ट्राई किए फ्रेंड्स, लेकिन इतना कुछ ख़ास रिपोर्ट अपने को मिला नहीं। और ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता था, इसके लिए मैंने जितना हो सका उतना वीडियो को शॉर्ट किया है ताकि आप लोगों को भी बोर ना लगे। तो अब ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका था और हमारा निकलने का टाइम यानी हो रहा था, क्योंकि फिर अंधेरा होने के बाद में फिर बोट वाले को बहुत तकलीफ़ होगी। तो फिर यहाँ से हमको दोस्तों 4 मच्छी मिले टोटली। तो हम लोग पूरा पैकअप कर ही रहे थे और मेरे दोस्तों को बहुत सारे मच्छी मिले, छोटे बड़े बहुत सारे बेट फिशिंग के ऊपर मच्छी मिले थे उनको। तो हम लोग जाने ही वाले थे, तो बोट वाला आने में कुछ देर लगा दी। तो हमने सोचा कुछ कास्टिंग करके देखते हैं। तो लकीली दोस्तों दूसरे कास्ट पे मुझे एक बड़ा सा स्ट्राइक मिला। तो आप ये वीडियो में आप देख सकते हैं, गुड साइज फिश गाइस। ओ माय गॉड, इट्स अ गुड फिश गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी ह्यूज फिश। मुरु इज जेंडा क्या हो जी, गाइस
ये मच्छी बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा रही थी और अनइमेजिनेबल पावर, और रॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जा रहा था। तो मैंने समझ लिया कि या तो ग्रुपर होगा बहुत बड़ा साइज़ वाला, या फिर कुछ बड़ा वाला स्नैपर। तो मैं स्लोली स्लोली, जैसे मच्छी पत्थर के बाहर आ रही थी, तो मैंने उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे कंडीशन में कभी दोस्तों एकदम ज़्यादा भी ड्रैग टाइट ना रखें, तो आपका लाइन बहुत आसानी से टूट सकता है। और आप जितना हो सके उतना कामली उसको निकालें। गाइस लुक एट द साइज, सुपर ह्यूज। या नीत मल्ल एनजी या नी मूज ना किलो मीन मुझे बल पाड़ोड़ी पत्ते रहा पुझे हमारा लास्ट कैच जो हम मेरे को लास्ट थ्रो पे लगा दोस्तों, इट्स अबाउट 10 प्लस और 12 प्लस ह्यूज साइज। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।